फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं अरवी भिंडी का सालन, यानी कि आज बनने वाला है वेज। तुमने तो बोले थे भिंडी गोश्त बनाएंगे। नहीं, अरवी भिंडी बोली थी, शायद तुझे सुनाई दिया गोश्त। ऑप्शन दिए थे ना कि भिंडी गोश्त बनाओ या अरवी भिंडी। हाँ, ऑप्शन दी थी लेकिन तुमने कुछ बोला नहीं, मैंने अरवी भिंडी लेके आ गई। वैसे किस किस को पसंद है अरवी? देखो, अरवी ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, अरवी हड्डियों के लिए अच्छी होती है, भिंडी आंखों के लिए अच्छी होती है, तो दोनों चीज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। वैसे यार ये बताना है कि अरवी को किस किस ने आलू समझ के खाया? मेरे साथ बहुत बार हुआ है, आलू समझ के ले लेते लेकिन जब तोड़ के उसको मुंह में डालते ना, ये चिकट चिकट क्या है। बहुत बार मेरे साथ हुआ, तो भाई किस किस के साथ ऐसा हुआ कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या जिनमें अरवी भिंडी का सालन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम अरवी भिंडी, प्याज, पिसे हुए टमाटे, दही, पिसे हुई मूंगफली, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला बुकी, कोतमीर, कसूरी मेथी, मेथी कलौंजी, यहाँ लेंगे हम लाल मिर्ची की बुकी, हल्दी की बुकी, जीरे की बुकी, कश्मीरी लाल मिर्ची बुकी, धनिया की बुकी, जीरा। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो यहाँ पर मैंने कुकर को चढ़ा दी हूँ अरवी गलाने के लिए। तो सबसे पहले हम अरवी गलाने के लिए यहाँ पर एक गिलास पानी डाले हैं अंदर, और उसके अंदर ये स्टैंड रखे हैं, इसके ऊपर अभी हम जाली रखेंगे। अब मैं यहाँ पे अरवी रख दूंगी। अरवी देखो मैंने धो के ली हूँ, लेकिन पहले से ही ज्यादा धुली हुई आई आई, मतलब बोलने का ये है कि बारिश में अरवी खरीदने का एक फायदा है कि आधे से ज्यादा मट्टी आपको धुले हुई मिलती है, नहीं तो इस पे एक एक किलो मट्टी मिलती है गर्मियों में खरीदेंगे तो, ठीक है ना। ये हम इसको इस तरीके से रख देंगे बस। अब क्या करेंगे, हम इसको ढक्कन लगा देंगे और आराम से 2 से 3 सीटी हुए तक इसको गला लेंगे। अभी हम इसको डायरेक्ट पानी में इसके लिए नहीं गला रहे हैं क्योंकि ये पानी में गलाने के बाद चिपचिपे हो जाएंगे, एकदम चिकट चिकटपन इसमें आ जाएगा, इस तरीके से गलाएंगे तो ये फ्रेश गल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 सीटी कर ली हूँ क्योंकि अरवी मोटी मोटी थी तो गलना चाहिए था थोड़ा बराबर, इसलिए चिकन देता था अभी तक गल जाता। हाँ, ये आ गया चिकन पे। हाँ, तो माशाल्लाह अच्छे से हमारी अरवी गल गई है, इतनी गली है कि हम अभी इसको छील के पका सकते हैं। अंदर से थोड़ी कच्ची है जो अभी हमारे पकाने के टाइम पे ये पूरी तरीके से गल जाएगी क्योंकि अरवी टाइम लेती है ना गलाने में, तो इस तरीके से गला लेंगे तो अरवी का गलाने का टाइम भी बच जाता है और छीलने का टाइम भी बच जाता है। बहुत इसी तरीके से अभी ये छीले जाएगी, बहुत इसी तरीके से। अभी ये गर्म है थोड़ी, मैं आपको बताती थी। हाँ, ये इस तरीके से आप बीच में इस तरीके से चीरा लगा देंगे ना तो ये बहुत आराम से इसका छिलटा निकल जाएगा ठंडा होने पे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं आपको छील के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने अरवी को थोड़ा ठंडा कर लिए है और कट लगा लिए है, देखो कितने आराम से ये छिल जाता है। नहीं क्या पहले ऐसा बिना उबाले के अगर हम छिलने जाते थे तो हमारे हाथों में खुजली होती थी या फिर ये चिपचिपापन हमारे हाथों को बहुत परेशान करता था, अब वो सब चीज़ें नहीं होंगी। इस तरीके से बॉयल भी हो जाते हैं और इसके छिलटे भी बहुत इजी तरीके से निकल जाते हैं, देख रहे आप लोग। अभी ये खाने के बाद मुँह में खुजली होगी? नहीं होगी, इसीलिए तो हमने यहाँ पे तेल चढ़ा दिए गर्म करने के लिए। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके बनाने से आपके मुंह में जरा भी खुजली नहीं होगी। अब ये छील लेती हूँ मैं पूरे। अब आपको छीलने के बाद इसके पीस 2 करने हैं बड़े बड़े या 4 करने हैं लंबे लंबे, आड़े करने हैं या तिरछे करने हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहले मैं इसको अच्छे से छील लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, आप इसको आड़े में भी कट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस तरीके से कट कर ली हूँ इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा तेल हो गया है गरम, हम इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी।
तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ मैंने 2 मिनट। अब हम निकाल लेंगे हमारी अरवी को एक बर्तन में। माशाल्लाह, चिकन भी ऐसी पकाते थे क्या? हाँ, चिकन भी ऐसी पकाते थे। अब क्या करेंगे, हम ये कढ़ाई को हटा लेंगे ये साइड में, और यहाँ पे अभी हम जिसमें अरबी भिंडी पकाने वाले हैं वो टोप रख दिए हैं। अब ये गरम तेल थोड़ा सा मैं इसमें ले लूँगी। अब हम इसमें फ्राई करेंगे हमारी भिंडी। अभी आप लोग बोलेंगे भिंडी आप उसमें भी फ्राई कर सकते थे वो वाले तेल में, लेकिन वैसा करने से क्या होता था कि मेरी भिंडी जो है तेल ज़्यादा पी लेती थी इसके लिए। ठीक है, नहीं ये भी नहीं रही, ये भी थोड़ा सा हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे, तो ये भी चिकट नहीं बनती है। यहाँ पे हमने अच्छे से भिंडी को फ्राई कर लिए है। अब हम इसको भी निकाल देंगे हमारे बर्तन में। एक यहाँ पे मैंने कुछ भिंडी को 2 करी हूँ, कुछ भिंडी को 1 रखी हूँ। जो भिंडी छोटी है उसको ऐसा ही रखी हूँ, कटिंग करी हूँ, और जो ज़्यादा बड़ी थी उसको 2 करी हूँ। अगर आप छोटी छोटी भिंडी लाएंगे तो अक्खी अक्खी रख के भी ये सालन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जो कढ़ाई में तेल है यही तेल से हम सालन बनाएंगे, तो हमें जितना तेल की ज़रूरत है हम इसी में से ले लेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें ऐड करेंगे जीरा। यहाँ डालेंगे हम जीरा, यहाँ लियो मैंने कलौंजी और मेथी दाना, ये भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब डालेंगे हम इसमें प्याज, प्याज को थोड़ा अच्छे से पका लेंगे, लाल कर लेंगे मतलब थोड़ा प्याज को। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्याज अच्छे से पक गई है मेरी। अब डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें 10-20 सेकेंड अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की, इसको थोड़ा सा तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इससे हमारा जो तरी अच्छे से आ जाती है। अब डालेंगे हम इसमें हल्दी की बुक्की 1 चम्मच भर के, मैं डालूंगी जीरे की बुक्की 1 चम्मच, डालेंगे हम तीखी वाली लाल मिर्ची और 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया की बुक्की। ठीक है ना, अब इसको अच्छे से पका लेंगे, और इसको जलने से पहले हम जो हमने टमाटर पीस के रखे थे ना वो डाल, अब आराम से पकाते पकाते टमाटर का पानी भी सुखा लेंगे और मसाला भी भून लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टमाटर का पानी पूरा सूखे तक मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, यहाँ पर मैं 150 ग्राम दही ली हूँ, आप खट्टा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा दही भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर मैं डालूँगी गरम मसाला, इसी के साथ मैं डालूँगी कसूरी मेथी। ठीक है, अब इसको भी पका, और यहाँ पे दही के साथ मैं पूरा अरवी भी छोड़ दे रही हूँ ताकि इसमें भी जो कच्ची कसर है थोड़ी बहुत वो भी आराम से पक जाए। अब इसको पकने देंगे हम 2 से 4 मिनट तक, ताकि ये दही का पानी भी सूख जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी पकता रहे। अरवी क्योंकि पूरी तरीके से बहुत जल्दी नहीं गलती है, अंदर से हल्का सा कच्चापन रहता है जिससे जबान खुजाती है, तो इसके लिए हम अरवी को अच्छे से पकाएंगे। भिंडी हम बाद में डालेंगे क्योंकि भिंडी हमारी जल्दी पक जाती है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ढक के 4-5 मिनट पकने दूँगी। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट अच्छे से पकने दी हूँ मैंने। हाँ, माशाल्लाह पूरा दही का पानी भी सूख गया है और अच्छे से हमारी अरवी भी थोड़ी गल गई है। अब क्या करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे हमारा ये मूंगफली, इससे थोड़ी थिकनेस भी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ठीक है ना, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर देना। मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कोथमीर। अब हम इसको
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरवी किस किस को पसंद है मुझे जरा कमेंट करना। ये हड्डियों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कंटिन्यू अगर आप रोज इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपके हड्डियों में दर्द भी खत्म हो जाएगा और ये वेट लॉस के भी काम आती है, आपको मोटापे से भी बचा के रखती है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और भिंडी जो खाते हैं, भिंडी तो बहुत लोग खाते हैं देखो शौक से, वो तो आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन हाँ, फायदेमंद है अरवी, लेकिन इतना हाई क्लास टेस्ट नहीं है इसके लिए। बहुत जन को नहीं पसंद आते उसके चिकटपन की वजह से, लेकिन देखा जाए तो वो बहुत फायदेमंद है, खाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने डाली हूँ पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी भिंडी। अरवी जरा लेट गलती है, इसके लिए मैंने सबसे पहला अरवी डाल के इतना देर पकाई। भिंडी हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि भिंडी हमारी पकी जाती है ना, क्योंकि हमने इसको फ्राई भी करे है थोड़ा। अब हम इसको पका लेंगे। मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी क्योंकि मैं अभी इसको पकने दूंगी थोड़ा देर, तो फिर ये वापस से गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें अभी मूंगफली का जो पेस्ट डाले ना, उससे गाढ़ापन इसमें अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए इसको अभी थोड़ा देर पानी डाल के इसको मैं अभी पकाऊंगी अच्छे से। ठीक है ना, देखते हैं। 10 से 12 मिनट मैंने इसको अच्छे से पकाई हूँ ढक के। इसमें आधा कप पानी मैंने और ऐड करी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अरवी भी अच्छे से देखो गल गई है ना, पूरी अरवी अच्छे से गल चुकी है। और भिंडी को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी तो शक्ल ही बता रही है कि वो अच्छे से गल गई है। और यहाँ पे हमारा मसाला माशाल्लाह अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको उतार देंगे क्योंकि इसमें हमने मूंगफली डाले हैं, तो ये ठंडा होने के बाद में भी और ठीक होता है। ठीक है ना, तो मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे कोथमी और इसको उतार देंगे। तो यहाँ पे मेरी मस्त चटपटी अरवी भिंडी मसाला सालन रेडी हो गया है। मैं गैस कर रही हूँ बंद, अब इसको खाएंगे पराठे के साथ। तो दोस्तों तैयार हो गया यहाँ पे अरवी भिंडी की सब्जी। बोलेंगे सालन बोलो, सब्जी बोलो, मैं तो सालन ही बोलती हूँ। एकदम ठीक ठीक ग्रेवी बनाया है मैंने अरवी और भिंडी का, लेकिन देखो सही में आलू दिख रहे कि नहीं। बहुत बार धोखा हुआ इसके साथ, आलू बोल के मैंने अरवी बहुत खिलाई इसको। एकदम सेम टू सेम दिखता है आलू जैसा ही, लेकिन होता है थोड़ा चिकट चिकट टाइप का। लेकिन ये पहले खाया है ऐसा अरवी आलू समझ समझ के, जब इसको समझदारी आई ना, जब ये सवाल पूछने लगा कैसा। मैंने अचानक चिकन खा लिया एक दिन, मैं बोला कैंसल अरवी। तो जिस दिन मैंने चिकन खाया ना, समझ में आ गया भिंडी और एक मुर्गी, एक टांग की मुर्गी, बैंगन, अरवी, ये सब चीजों को ऐसा दूर कर दिया मैंने। नहीं नहीं सब खाता था, झूठ बात है ये अभी जरा समझदारी आने में ये सब पता चला है, नहीं तो मेरे सामने इतने नखरे चलते नहीं। मेरे को ये अरवी से सही में मतलब उतना पसंद नहीं है, पर आलू मेरे को अच्छा लगता है। आलू और भिंडी, आलू कैसा है ना एकदम कॉमन है माशाल्लाह, बहुत मस्त बना है सालन। हाँ सालन तो अच्छा ही बना हुआ। अब ये फिर अरवी मेरे को खिला रहा तोड़ के। मैंने अक्की भिंडी लिया मैंने तुम्हारे लिए, और ये सालन मसाला। चलो फिर अभी काम है तो करना तो पड़ेगा ही, देख रहे आप लोग मजबूरी है उसकी, करना तो पड़ेगा ही। अरवी लो खाओ, जिसका नहीं भाई अरवी भी बहुत से लोग ही होगी मेरी फेवरेट, बहुत फेवरेट है। तो अरवी भाई आप लोग भी ऐसा बना के खाना जरूर। वैसे मुझे मसाला बहुत मस्त लग रहा है, अरे आ जा रहे भाई। इतनी चिकट है कि वो रोटी में भी नहीं लग रही है, वो खुद भाग रही है मेरे से। ये देखो आओ बिस्मिल्लाह। और कांच की प्लेट ना स्लिप मार रही है बार बार मार जाती है। वैसे मसाला बहुत अच्छा है, यानी के मतलब क्या तेरा? मैं बोला ना मसाला बहुत अच्छा है, भिंडी भी बहुत अच्छी है, और ये दोनों की वजह से अरबी भी बहुत अच्छी लग रही है। बोला बोला नहीं अच्छा बना है माशाल्लाह, मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन सही में खाना बहुत अच्छा बना है। तो भाई ये लोग कौन बनाएंगे, जिसको पसंद है
वो लोग जरूर बनाना। अरे जिसको नहीं पसंद है ना वो भी बना के खाना, बहुत मजे की बने हैं। ऐसा हाँ। नहीं है कि अरवी नहीं खा सकते आप लोग। अरवी को देखो आप, मैंने कैसा बॉईल कर ली हूँ पहले, फिर इसको फ्राई करके डाली हूँ, लग रहा है कि चिपचिपा लिया। चिकटने लग रहा है, नहीं लग रहा है बिल्कुल, चिकटने लग रहा है और गला भी इतना अच्छा है माशाल्लाह। और आपका गलने का टाइम भी बच गया है, नहीं तो अरवी आप ऐसा ही छिलके काट के डाल देते ना तो उसको बहुत टाइम लगता है गलने के लिए। अरवी इतने आसानी से गलती नहीं है जल्दी, लेकिन मैंने कहा कुकर में दो चार सीटी लगा दी, बल्कि वो अरवी भी गल गई है। फ्राई करे तो उसका छिलनापन भी खत्म हो गया है और भिंडी भी हमारी चिकटने बनी है माशाल्लाह। आप बना सकते हैं, आपके घर में बना सकते हैं, मेहमान आए तब भी बना सकते हैं, बहुत मजे का सालन बना। बारो मेहमान नहीं आएगी क्या बोला? अरे जो अरवी नहीं खाता है। अच्छा दोबारा फिर मेहमान ही नहीं आएंगे? जो उसकी तासीर जानते हैं, जो उसकी अहमियत जानते हैं, तो वो ये नहीं बोलेंगे अरे क्या अरवी बनी है, खुश हो जाएंगे कि हाँ अरवी बनी है। अरवी की अगर आपको अलग अलग तरीके की सब्जी भी देखना है तो मुझे कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगी। अरवी भी बहुत किस्म की बनती है। नहीं, बहुत अच्छी बनी, मेरे बातों में नहीं आना, बहुत मेरे को नहीं पसंद तो मैं मेरा नजरिया बता दो। हाँ, वो अपनी तरफ से बोल रहा है लेकिन बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह। और अम्मी के मसालों में तो अरवी भी मतलब उतना मजा आ गया खाने में, मैंने तो खाया। हमें अभी अरवी के बदले मतलब ये भिंडी के बदले अरवी और बैगन भी बना सकते थे। हाँ अरवी बैगन बन सकते थे। अभी मैं इधर नहीं बताऊंगी, मैं बनाऊंगी नहीं तो ना मैं बोल के चले जाती हूँ और वो दूसरी तरफ आ जाती है। मैंने ये नोटिस करी दो चार बार हुआ है मेरे साथ। मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करती हूँ और फिर वो कहीं ना कहीं आ जाती है, आ जाती है। इसके लिए मैं नहीं बोलूंगी, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी अरवी के साथ में और कौन कौन सी सब्जी या सिर्फ अरवी की सब्जी आप लोगों को चाहिए आप कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगी। ठीक है, और वेजिटेबल में कौन सी सब्जी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स करना, ठीक है ना। और ये बात तो होता मुंह खुजाता कि नहीं खुजाता? नहीं खुजाता, बिल्कुल नहीं खुजाता। कौन बोला मुंह खुजाता? नहीं खुजाता मुंह। वो कहते बहाने, कौन बोलता मतलब? हाँ, जिसको खाना ही नहीं है ना वो बोलता है। और पहली बात तो देखो मुंह नहीं खुजाता है, ये हाथ में खुजली होती है। अगर हम उसको बिना ये ऐसा बॉइल करके छीलते है ना तो उसके जो छिलटों में ना वो तासीर होती है, जो हल्का सा आपके हाथों को चिकना कट करता है और उसकी वजह से खुजली मचती है। ये मुंह में खुजली उजली नहीं आती है, ये सब बोल लेते हैं। ठीक है, तो भाई कैसी लगी ये वीडियो? रेसिपी अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो। कब करेंगे? अगर आपको मटन की रेसिपी, चिकन की रेसिपी देखना है तो भी कमेंट्स करो। अगर इस तरीके से आपको कुछ और वेजिटेबल की रेसिपी आगे देखना है तो भी कमेंट्स करो। ठीक है, या मीठे की रेसिपी देखना है तो भी कमेंट्स करो भाई। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़। बाय। याद रखना, अपना ख्याल रखना।